हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि नवरात्रे पास आने वाले हैं तो उसके लिए हम बनाएंगे एक बोहो बेल्ट विद पाउच। जैसे कि आप नवरात्रि में जाते हैं तो आपको फ़ोन रखना है, कीज़ रखनी है, कुछ और रखना है तो आप उसमें रख सकते हैं। इसके लिए मैंने अपनी एक पुरानी कुर्ती ली है और बेल्ट का पाउच बनाने के लिए जो ये कुर्ती का नेक वाला पोर्शन है इसको हम निकाल लेंगे। बिकॉज ऑफ इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है तो हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका इसी की बेल्ट जो है उसको भी हम इसी कुर्ती से कट कर लेंगे। दोनों को कट कर लेने के बाद पहले जो ये हमने पाउच निकाला है इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के लिए पहले मैंने जो दो पोर्शन कट किए हैं कुर्ती से, फ्रंट और बैक दोनों ही एक साथ कट कर लिए थे। इसमें हम अस्तर कह लो, लाइनिंग कह लो कि हमें लगानी है, इससे थोड़ी थिकनेस आ जाएगी, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। वाइट कलर का ही मेरे पास एक ये कपड़ा अवेलेबल था तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। इस स्क्वायर पीस पे लाइनिंग अटैच कर लेने के बाद अब मैं इसको अपोजिट साइड में रख के जो इसका सीधा वाला पोर्शन है दोनों का वो अंदर की तरफ आएंगे और जो उल्टा वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ आएंगे। इसको मैं थ्री साइड से स्टिच कर लूँगी। थ्री साइड से स्टिच करना, एक साइड से ओपन छोड़ देना, आप चाहें तो उसमें जिप भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको नॉर्मल छोड़ूंगी क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा बनाया और ये अच्छा भी लगेगा। और जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पुराना कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नया कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों साइड से स्टिच कर लेने के बाद जो इसका ओपन वाला पोर्शन है उसको हम फोल्ड करते हुए सिल लेंगे जिससे कि सिलाई निकले ना। फिर इस पाउच को हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आया है, बिल्कुल सिंपल सा पाउच है। और इसकी जो हम बेल्ट बनाएंगे, कमरबंद जो बनाएंगे, उसके लिए मैंने कुर्ती से ही कपड़ा लिया था। मैंने इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप चाहते हैं, कितनी लेंथ चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और मैंने जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर ली है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब इसको भी थोड़ी थिकनेस चाहिए तो इसके लिए मैं बुकरम का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो उसकी बेल्ट की पट्टी है वो मैंने 2.5 सेंटीमीटर लिया, तो जो बुकरम का कपड़ा है उससे थोड़ा बहुत आधा इंच आप कम ले लें, आधे से आधा इंच आप कम ले लें, उतना लेके इसके अंदर की साइड हम इसको स्टिच कर लेंगे जिससे कि इसकी सिलाइयाँ दिखे ना और जो ये बेल्ट है थोड़ी सी थिक हो जाए, हार्ड हो जाए। अब बिल्कुल जो बेल्ट का सेंटर वाला पोर्शन है उसमें हम इस पाउच को अटैच कर देंगे। पाउच को जो अटैच करना है उसके फ्रंट वाले साइड में बेल्ट को अटैच करेंगे और जो बैक साइड है वो बेल्ट के जो हमारी कमरबंद है उसके बिल्कुल पीछे आएगा। इसको अटैच कर लेने के बाद अब ये कुछ इस तरीके का हमारा आया है। इसके जितने भी सारे एजेस जो खुले हुए हैं उनको हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमने बोहो लेस, ये मल्टी कलर की लेस मैंने इसमें ली है, ये आपको कहीं भी सदर बाज़ार से कहीं से भी मिल जाएगी या आप मीशो से भी इसको मंगा सकते हैं। मैं इस बेल्ट के चारों तरफ इसको सिल लूँगी और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कलरफुल लेस लगाने के बाद इसमें बहुत अच्छी लुक आ गई है, ऐसे ही अच्छी लग रही है, पर हम इसको और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैं राउंड शेप में मिरर ले रही हूँ, कॉडी शेल ले रही हूँ, कॉडी शेल भी मैंने मल्टी कलर की ली है। और बिल्कुल हम सेंटर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में मैं एक मिरर पेस्ट कर दूंगी, फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ। मिरर के चारों तरफ मैंने वूल लिया है, जिस कलर के मैं कॉडी शेल का यूज़ करूंगी उसी कलर का मैं वूल जो है राउंड शेप में पेस्ट कर दूंगी। आपके पास अवेलेबल है तो आप पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं अवेलेबल है नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, जैसे भी आपको सूट कर रहा है कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। अब मैं चाहती तो मल्टी कलर भी लगा सकती थी पर मुझे ऐसे लगा कि एक फ्लावर में एक पर्टिकुलर जो कलर है उसी का मैं यूज़ करूँ तो मैंने पहले ब्लू कलर का यूज़ किया। आपके पास जिस भी कलर के कॉडी शेल हैं आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी मल्टी कलर मैंने परचेज़ किया था तो अलग अलग तरीके के हैं, मेरे पास ब्लू कलर है, पिंक कलर है। और मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि जिस कलर की वूल अवेलेबल है मैं वही पर्टिकुलर जो कॉडी शेल है उसी कलर का मैं यूज़ करूँ, तो मेरे पास वूल भी वैसे तो काफ़ी सारे कलर अवेलेबल थे पर थोड़ा सा मिक्स हो जाए ये भी ध्यान रखा मैंने। और इसके लिए पहले मैंने अब ब्लू के बाद जो है मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ और पिंक कलर जो है ब्लू के दोनों साइड पर यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर पर्पल भी मैंने दोनों साइड यूज़ किया है, फिर ऑरेंज का यूज़ किया, उसके बाद ये डार्क कलर का पिंक कलर था वो यूज़ किया है। और जो ये इन फ्लावर्स के बीच का जो स्पेस ये रह गया है इसमें मैं पोमपोम का यूज़ कर रही हूँ और पोमपोम मैं जस्ट पेस्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने कोई स्टिचिंग नहीं की है। नॉर्मल पूरी बेल्ट पे ये पोमपोम पेस्ट कर लेने के बाद अब जो ये पाउच वाला पोर्शन है, वैसे तो जो ये कुर्ती का नेक था ये अपने आप में ही बहुत सुंदर था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी थी, पर हम बोहो बेल्ट बना रहे हैं, बोहो बेल्ट पाउच के साथ बना रहे हैं तो उसे भी कुछ बोहो या बंजारा लुक मुझे देना था। तो इसके लिए पहले मैंने वही राउंड मिरर यूज़ किए हैं, राउंड मिरर को मैं अलग अलग जगह पे पेस्ट कर दूंगी। और उसके बाद जो कॉडी शेल हैं, डिफरेंट कलर की कॉडी शेल हैं, वो मैं बिल्कुल सिंगल सिंगल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें इसे भरा भरा भी नहीं दिखाना है। और अब ये जो बीच वाली लेयर है जो ये एम्ब्रॉयडरी की आपको दिख रही होगी, इसके लिए मैंने जो मिरर है और मिरर कवर जो होता है राउंड शेप में मैं यूज़ कर रही हूँ, मिरर कवर को मैं इस
जो ऑलरेडी इस मिरर लगा हुआ है इसके ऊपर पेस्ट करती हुई चली जाऊंगी। ये पेस्ट कर लेने के बाद अब बेल्ट है, तो बेल्ट के लिए मैं जो पीछे जो बांधने वाली डोरी है वो मैं वूल की हेल्प से बना रही हूँ। 3 कलर्स की मैंने वूल ली है। आप चाहें तो कपड़े से भी बना सकते हैं, आप इसी कुर्ती से या जो भी आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उससे आप बना सकते हैं, पर मेरे पास वूल अवेलेबल थी तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं सुई धागे की हेल्प से बेल्ट के दोनों तरफ जो है स्टिच कर लूँगी, और जो बीच वाला पोर्शन होगा उससे सेंटर में लाके उस डोरी को मैं कट कर लूँगी, जिससे कि जब आप इसको कमर पर बांधेंगे तो वो इजीली बंध जाएगी। और जो इसका लास्ट वाला एज है उसमें नॉट टाई कर लेंगे, जिससे कि ये खुले ना। और ये हमारी बेल्ट रेडी है, और रेडी होने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है। आप इसको ब्लैक कलर पे, वाइट कलर पे, या जैसे भी आपको सूट करे आप इसको पहन सकते हैं। और मैंने बताया था कि आपको कीज़ रखनी है, फ़ोन रखना है, तो वो आप इसमें सब रख सकते हैं। तो बताइएगा गाइस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।